हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे एमसीक्यू और क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, यानी पंचायत सेक्रेटरी के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जीके के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जीके के 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम सभी पोर्शन इसी वीडियो में डाल दें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सिर्फ हमने इसमें जीके के 100 क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधा जीके के क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 41। जल्दी जल्दी से हम पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो ऑथर है वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दादाबाई नारूजी। एंड क्वेश्चन नंबर 42, हु लीड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट को लीड किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 43, विच मूवमेंट स्ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1878। एंड क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए काज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए पार्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया? तो बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी वैल्यू थ्योरी दैट वाज ह्यूमी वाज इंटेंशन इनक्रेज्ड द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस? तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइड ए सेफ आउटलेट टू द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिजल्ट ऑफ अनजस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस ऑफ द ट्रेड एंड हायर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये सब जो क्वेश्चन हैं ये जेके एसएसबी ने जो वीएलडब्ल्यू का पेपर था प्रीवियस ईयर पेपर उसमें पूछे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच? ऑप्शन नंबर बी, डंडी मार्च। इस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, विच वॉज द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड थ्रू द सब्सिडरी अलायंस? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए रिजल्ट ऑफ द 1857 अपराइजिंग? द ब्रिटिश क्रोन टुक ओवर द पावर्स फ्रॉम ईस्ट इंडियन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अगेनेस्ट द पॉलिसी फॉलोड बाई द एक्सट्रीमिस्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 1947? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्राम ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्वेश्चन नंबर 54 है, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922? तो इसका राइट आंसर है चोरी चोरा मूवमेंट, ठीक है, चोरी चोरा मूवमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 55, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइजरी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड लिंथिगो। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट अलोज इन इंडियन सिटीजन टू रिजाइड आर सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट टू फ्रीडम। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फिलिंग ऑफ नॉमिनेशंस इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नॉमिनेशंस कैन बी फिल्ड फाइल्ड इवन ऑन ए पब्लिक हॉलीडे। क्वेश्चन नंबर 58। इंडियन डेमोक्रेसी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीज़न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट ऑफ म्यूनसिपल कौंसिल। म्यूनसिपल कौंसिल की रेस्पेक्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी, द कौंसिल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड व्हेन अ 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल वर्क एज ए फुल टाइम हाउस मेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ये कल भी हमने पढ़ा था, कल की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिफ्लेक्ट द गांधियन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज़ द ट्रू विद रेफरेंस इन पब्लिक ओपिनियन इंडियन डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कीप द गवर्नमेंट अलर्ट टुवार्ड द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर है इंग्लिश। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इलिटरेट वोटर्स विल बी मिसलीड इजली। क्वेश्चन नंबर 65 है, हु अकॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्शन सिंबल्स इन इंडिया। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी जो इलेक्शन का सिंबल होता है वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ दीज इज ए रीज़न फॉर इंडिया टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी कौंसिल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, द पावर हेल्प इंडिया टू बी इन्फ्लुएंशियल इन इट्स फॉरेन अफेयर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 68 है, विच सिस्टम इज़ फॉलोड बाय राज्यसभा इलेक्शन इन इंडिया। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ दीज इज़ इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू इलेक्शन कंपेन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कंपेन। क्वेश्चन नंबर 70 है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है यूएसएसआर यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसने वीडियो अच्छे से देखी होगी उसको पता होगा फंडामेंटल राइट्स हैं जो, वो कौन सी कंट्री से लिए हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रॉन्ग पेयर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मानस टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज़ द मीट बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर ड्यूरिंग रेन फॉर फ्यूचर यूज़। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाई द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ NHAI। एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सिलचर एंड पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 74, वाई इज़ द टिम्बर ऑफ दीवदार used in making of boats and bridge। option number d is the oh, sorry option number b is the right answer,
इट इज़ इम्प्रेस ऑफ इम्प्रेस टू वाटर। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन लेह। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? IUCN की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 77 है, द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज फाउंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिवर गंगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जोवियन प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 79 है, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड वाटर यूजेज चार्ज ऑन ऑल मेजर एंड मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द स्टेट टू। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, टेक ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड इट्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन J&K स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द कंजेशन एट कोलकाता पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हल्दिया पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट हैपेंस व्हेन रन ऑफ ऑन द ग्राउंड इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू बी एब्जॉर्ब्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 83, विच इज द डीपेस्ट लेक लॉक्स एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट अलॉन्ग ऑल द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, द साउथ पोल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस लाइट ड्यूरिंग द। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विंटर सोल्स्टिस। अब क्वेश्चन नंबर 85, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ मेड बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन एवरी हाउस कंपल्सरी। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, द मेटल दैट रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर इज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 87, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, मर्करी। क्वेश्चन नंबर 89, द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाई। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 90, द एनिमल विच प्रोड्यूस बाई एक्सोजीनियस बर्डिंग इज। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, द स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर रेन आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमोंग द फॉलोइंग। पोटेशियम, डिनोटेड बाय के। क्वेश्चन नंबर 94, द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फूड चेन एंड अ फूड वेब इज दैट फूड चेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इन्वॉल्विंग ओनली प्लांट वाइल फूड वेब्स इन्वॉल्व एनिमल। क्वेश्चन नंबर 95, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर ए पार्ट ऑफ द। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम ग्रीन लीव्स कैन बी आइसोलेटेड बाय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट इन मेकिंग सोलर सेल।
क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर, सिलिकॉन। एंड क्वेश्चन नंबर 99, द एनिमल विच शोज ट्रांसरोज बाइनरी फिशन इज, ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर। एंड जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइड्रो पावर। तो ये थे हमारे कुछ 100 MCQ जो प्रीवियस ईयर JKSSB ने पूछे थे VLW में, यानी जो आज पंचायत सेक्रेटरी माना जाता है। तो अपना अपना स्कोर बताएं, आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जो बाकी के सेशन बचते हैं उनके बारे में। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।